हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग गाइड सेवांश भसीन पे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मार्केट ने मूव दिया वो अनएक्सपेक्टेड मूव थी। किसी को नहीं पता था कि इतनी खतरनाक तेजी इस मार्केट के अंदर आ सकती है, क्योंकि पहली बात हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी खबरें आ रही है मार्केट की तरफ से, बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के बारे में, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब रेगुलरली हर दिन 1 से 1.5 से 2% बढ़े जा रहे हैं, और अब जो उसका बॉटम बना है वहाँ से मुझे लगता है कि 63 को भी, अगर 63-64 को भी अगर ये क्रूड ऑयल टूटता है तो शायद वहाँ से 70 की तरफ ये ब्रेंट ऑयल बढ़ सकता है। सो गाइस, ये जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, यूएस ने H-1B पे लगा दिया, जिसकी वजह से IT सेक्टर के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। और अगर हम बात करें कि इन्वेंट्री वो लोग नहीं रख पा रहे हैं, ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो उनके पास इन्वेंट्री रखने की जगह नहीं है, और वो एक ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बुरी बात है। तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर घूम रही थी आज के मार्केट के सेशन के अंदर, और तब भी हमने देखा कि मार्केट ने लोअर लेवल से रिकवरी दिखा के बहुत तेज़ी से अप मूव दिखाई। क्या ये लोअर लेवल्स पर कोई सपोर्ट था कि नहीं था, और अब जहाँ पर क्लोजिंग दी है क्या वहाँ से और ऊपर जा सकता है, या अब दोबारा गिरने की इसकी स्टार्टिंग बन चुकी है? तो ये पूरा चार्ट एनालिसिस आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं करने वाला हूँ, और इस वीडियो के साथ आपको मैं यहाँ पर ऊपर आई का ऑप्शन दिख रहा होगा इधर साइड, वहाँ जाके आप मेरे से 5 शेयर्स देख सकते हैं जो मैंने आज के लिए वीडियो बनाई है, मतलब वीडियो बनाई है जिसके आप हफ्ते दो हफ्ते के अंदर इन 5 शेयर में, अगर आप फ्यूचर भी लेते हैं, कैश कॉल भी लेते हैं, ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, तो इन 5 शेयरों में आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। हायर टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इस पे जाके आप ज़रूर मेरी वीडियो को देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे खुद विजिट करके, शिवांश भसीन सर्च करके मेरे चैनल पे विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। बाजार के महारथी है मेरी वीडियो का नाम, जिसपे 5 शेयर्स आपके लिए मैंने रखे हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑब्जर्वेशन के लिए, कल के लिए क्या ट्रेड रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। इतनी बुरी बुरी जो खबरें थी उसके बाद भी जो ये छाल दिखाई है, क्या इसका संकेत है? तो गाइज, अब हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है मैंने। सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ अगर आपको क्लियरली देखना है। देखिए गाइज, अभी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में से जो भी ट्रेंड लाइन्स थी वो हटा दी है। एक मैंने ये जो ट्रेंड लाइन है बस ये रखी हुई है, हमें वैसे भी इसे गौर करने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी ट्रेंड लाइन है मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो मैं बनाऊंगा आपके सामने। अब ऑब्जर्व करिएगा कि ये जो लेवल है और ये जो लेवल है ये कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको जो मैंने सिखा रखा है कि सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनानी है, सारे टॉप्स को मिलाना है। मैंने ये सबसे पहले बनाना शुरू करा और सारे टॉप्स को मिला दिया। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर जो भी लोज हैं उन लोज को मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने लोज को मिला दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा इधर ले आता हूँ तो आप कंफ्यूजन ना हो। जी गाइस, अब आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले टॉप को ज्वाइन करा, उसके बाद मैंने सपोर्ट को ज्वाइन करा। अब मैं एक और लाइन बनाना चाहूंगा, वो चैनल है, वो चैनल आपके साथ मैं बना देता हूँ। जी गाइस, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से है ये। ये मैंने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाई, बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सपोर्ट की एक ट्रेंड लाइन बनाई और मैंने यहाँ पर एक चैनल बनाया। चैनल आप देख सकते हैं कि इस चैनल के अंदर पर्टिकुलर ये यहाँ पर ट्रेड करा, वेट करा था, इस चैनल के अंदर गया, यहाँ से बाउंस आया, इस पर्टिकुलर चैनल को टेस्ट करके यहाँ से बाउंस आया। तो ये एक चैनल हम कह सकते हैं, एक सपोर्ट है जो बहुत टाइम से इसको रोके हुआ है। हम कह सकते हैं मैं 1-1.5 महीने की अगर हम बात करें तो 1-1.5 महीने से यहाँ पर एक ये सपोर्ट ले रहा है इस चैनल के अंदर या इस चैनल के आसपास। अब हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर, एक बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर इतनी सी लाइन को भूल जाते हो जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई हुई है, सिर्फ इस ऐसे में देखते हो तो ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न है, और ये सिमेट्रिकल पैटर्न का हमने देखा ब्रेकडाउन देखने को मिला। आपको जूम करके दिखाऊंगा, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। हमने देखा था ये सिमेट्रिकल पैटर्न जो बना हुआ था इस रेंज के अंदर, जो ये पर्टिकुलर निफ्टी काम कर रहा था, इसका यहाँ पर हमने एक ब्रेकडाउन देखने को मिला।
ब्रेकडाउन देखने को मिला था उसी दिन, नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बना दी थी और आपको बता दिया था कि अगर आपको इसके 50% पे भी मिलता है, ये मतलब यहाँ से ये उछाल तो एक बार दिखाएगा, उछाल दिखाने पे अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास दिखता है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन के आसपास, या अगर आपको इसके 50% पे भी मिलता है ये जो कैंडल है, आप इसको यहीं पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को इनिशिएट करेगा और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 200 दिन का मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट के अंदर। और गाइज वही हमारा अचीव होते हुए दिख गया था। उसके बाद हमने देखा दोबारा नीचे गया, दोबारा नीचे जाने के बाद हमने जो और भी लोग थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने ये देखा कि इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट बढ़ सकती है। पर नहीं गाइस, क्योंकि वहाँ पर एक चैनल है, वहाँ पर एक कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा। बाउंस बैक देखा, अब हम क्या देखते हैं कि मैं अब और जूम करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैंने एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करी थी। रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर उसने, हमने आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो उसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, उसके ऊपर सस्टेन करा, उल्टा उसने 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, तीसरा उसने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी। यानी कि हायर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा जो उसको रेजिस्टेंस फेस करने वाली तीन चीज़ें थी उसके ऊपर उसको तोड़ के जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। यानी कि एक ही अच्छी बात है, यानी कि मुझे लगता है कि अब 800 रुपये, 11,800, 11,770, 80 इसका एक सपोर्ट बन सकता है निफ्टी का। यानी कि हो सकता है कि कल दोबारा निफ्टी 50 थोड़ा बहुत ये 11,800 की तरफ आने की कोशिश करे, इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करे, यहाँ से दोबारा बाउंस बैक कर जाए। सो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी 11,800 के आसपास, जितनी आसपास हमें मिल जाता है हम निफ्टी 50 को बाय करके चलेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको कंक्लूजन नहीं दिया है। अब दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बनाना चाहूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है। अब आप देखिएगा, मैं आपके लिए एक और ट्रेंड लाइन बना देता हूँ जी गाइस, ये आपको ध्यान से दिखेगी नहीं, मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है। अब देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम ऑब्जर्व क्या करेंगे फिर मैं आपको कंक्लूजन में लेकर आऊँगा। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आ गया, ऊपर इसको तोड़ तो दिया पर यहाँ पर इसने सपोर्ट फेस करा, फिर नीचे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट फेस करा, दूसरी बार सपोर्ट फेस करा, कंसोलिडेशन भी यहीं पर ही चलते रहा, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट फेस करा और दोबारा नीचे आ गया। अब हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं इसमें, देखिए दो तरीके के सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहे हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया है, ये सपोर्ट लाइन और ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी। दूसरा, अगर हम इसको भी जोड़ दें तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न है ऐसे वाला। इसका भी हमने देखा ब्रेकडाउन आया उसी लेवल पे, तो ये एक बेस्ट शॉट की अपॉर्चुनिटी थी कि दो पैटर्न का एक साथ, सब जहां से था सपोर्ट वहीं से इसने पैटर्न को तोड़ा और ये हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस करा, अब दोबारा ये इस लेवल पे आ गया है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, हो सकता है यहाँ से दोबारा नीचे आने की कोशिश करे और अपने 11,670-80 के आसपास भी जा सकता है। हो सकता है यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश करे और इस लेवल को ब्रेक कर दे, हो सकता है कि यही कंसोलिडेट करे। हर अपॉर्चुनिटी हमें हर चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि हमें कब फ्रेश बाय बनाए कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो हमें पक्की बात अचीव हो, या फ्रेश शॉर्ट्स बनाए कि हमारे टारगेट्स हमें पक्की बात अचीव हो। अब हमें फ्रेश बाय कब बनाना है, जब ये इसके ऊपर निकल के कंसोलिडेट करता है, एक घंटा दो घंटा उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तब हम अपनी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। दूसरी बात, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है या फिर अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तब हम अपनी एक फ्रेश शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 11,680 का। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने जो लाइन बनाई है, ये लाइन बनाने का मकसद क्या था। सबसे पहले आपको मकसद बना दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितनी बार मिल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी गाइस, अब ये देखिए, आर्ली चार्ट के अंदर इस पे हमने देखा कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हुआ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप होने का भी ब्रेकडाउन अब मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ।
अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना, मैंने आपके लिए जिप से वीडियो बनाना शुरू करी है, ना मैंने मैकडी, ना मैंने आरएसआई, ना मैंने वॉल्यूम्स, मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ आपको फिबोनाची और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बताया, और हमारे जो जितने भी टारगेट्स थे 90% तो हमारे अचीव हुए और बिल्कुल उन पैटर्न्स के साथ वर्क करता था। यही मेरी स्ट्रैटेजी है जिसके साथ मैं वर्क करता हूँ, बस ये थोड़ी अलग है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाता क्योंकि वो शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बताना मुश्किल है। पर गाइस आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी, मुझे कितनी चीज़ें मिल गई, मुझे दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल गए, पैटर्न मिल गए जिसका ब्रेकडाउन एक लेवल पे आया, मुझे उसी लेवल पे ब्रेकडाउन मिल गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, इसी लेवल पे गाइस तीन पैटर्न एक साथ सजेस्ट कर रहे हैं उस लेवल पे शॉर्ट के लिए, और हमने अगर शॉर्ट करा होता 11,880 पे तो हम वहाँ से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी 50 पे अचीव कर चुके होते। और अगर आपको ये चैनल के बारे में पता होता तो आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर भी चुके होते। ये सारी चीज़ें करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस को जोड़ के ट्रेंड लाइन बनानी है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है, क्या हो सकता है। बहुत क्लियरली तरीके से समझा दिया है आपको मैंने। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का भी मैंने आली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, क्या करना है आपको सब पता है। ट्रेंड लाइन मैंने सबसे पहले ड्रॉ करनी है, मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जी गाइस। अब मैं आपको इसमें आर्ली चार्ट में लेकर जाना चाहूंगा, सो आप देख सकते हैं यहां से एक मैंने और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, जी गाइस अब मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं कि किस तरीके से काम करना है। मार्केट ऊपर गई, बैंक निफ्टी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं अंदर कंसोलिडेट करें, यानी कि इसने एक पिनन पैटर्न फॉर्म करा। पिनन पैटर्न फॉर्म करने के बाद हमें पता था कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो भी हमें बाय पोजीशन बनानी है, इसके नीचे आएगा तो हमें अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करना है। हुआ क्या, मार्केट इसके नीचे आया, क्लोजिंग दी इसने, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था 50% रिट्रेसमेंट पे आप इस कैंडल के बाय शॉर्ट कर सकते हैं या इस लेवल तक आने दीजिए ट्रेंड लाइन की, तो इसको शॉर्ट करके चलिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 50 डे का मूविंग एवरेज 11,30,150। मैं आपको हर वीडियो में, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में जाएंगे, हर वीडियो पे मैंने आपको बैंक निफ्टी की पुट बाय करने के लिए बोला था, हर वीडियो पे आपको मैंने 100-100 पॉइंट के टारगेट दिए थे बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटजी पे पुट की, और हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए थे। मेरे पास बहुत से फोन कॉल मैसेजेस आए थे कि हमारे बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स अचीव हो रहे थे और बहुत बढ़िया ट्रेड जा रहा था। देख सकते हैं ये जो मैंने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसके बाद यहाँ पर इसने हमने देखा ब्रेकआउट आने हुए दिख गया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। हो सकता है कि ये दोबारा पिनन पैटर्न के अंदर घुसने की कोशिश करे या उसके ट्रेंड लाइन के तरफ जाने की कोशिश करे, यानी कि 31,170-31,120 का लेवल है जहां तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जा सकता है अगर हायर लेवल दिखाता है। दूसरी बात, अगर ये देख सकते हैं कि लगातार 4 दिन 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास ही क्लोजिंग कंसोलिडेट कर रहा था और हम देख रहे थे कि वहीं पर ही इसने बॉटम बनाया, यानी कि 30,230 पे लगातार इसके लो थे, उसके नीचे गया ही नहीं, वहीं पर लो बना के ही ऊपर आया, तो यानी कि 30,230 या 30,200 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। सो ये पिनन पैटर्न फॉर्म था, उसमें हेड एंड शोल्डर सिमेट्रिकल पैटर्न फॉर्म्स थे। ये बैंक निफ्टी कैसे पता लगाते हैं गाइस, बहुत से पैटर्न्स हैं जो आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, मैं अभी कुछ मिस भी कर गया हूँ गाइस, अभी इस निफ्टी के 50 के अंदर कम से कम ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये इतना पोर्शन के अंदर अंदर ही कम से कम 5 से 6 पैटर्न डेवलप हो रहे होंगे। मैं आली चार्ट में लेकर चलता हूँ, आली चार्ट में जब मैं लेकर गया तो यहाँ पर कम से कम इतने पोर्शन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 5 से 6 पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से 3 तो मैंने आपको खुद ही बता दिए, एक चौथा की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई पैटर्न नहीं है, पर एक सपोर्ट के कारण की बात करें हमने देखा ये गैप अप हमें देखने को मिला था 11,400 से लेके 11,600, यानी कि 200 पॉइंट का हमें गैप अप देखने को मिला था, और वो गैप अप के बाद जिस लेवल से ये गैप अप आया था वो लेवल, यानी कि एक ये डबल बॉटम का काम कर रहा है। यहाँ पर इसने बॉटम लिया चैनल पे, यहाँ पर इसने चैनल पे बॉटम लिया, उछाल देखने को मिली,
ये एक डबल बॉटम का काम कर रहा है। अगर इस चैनल को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा इस गैप को फिल करना, जो कि होगा 11,400 का टारगेट। बहुत से पैटर्न डेवलप हो जाएंगे गाइस, इसमें वेयरवुल्फ पैटर्न है, हर तरीके के पैटर्न होंगे। अभी आपको मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, जो जो नए नए पैटर्न डेवलप होंगे आपके साथ रेगुलरली शेयर होते रहेंगे। सो ये बहुत क्लियर व्यू मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे वो 5 स्टॉक्स को जरूर देखना भूलिएगा मत। यहाँ पर आई पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर जाके उसको वीडियो को ओपन करिए। चार्ट्स पर मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा रखा है, वो चार्ट को पॉज करके आप अपने खुद के चार्ट पे बना के उस पैटर्न को ड्रॉ कर लीजिए, और जैसे ही आपको वो पता चले कि उस रेंज के अंदर आ गया तो आप खुद भी बाय सेल बना के पैसा कमा सकते हैं। सो गाइज मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।